बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हैप्पी रमज़ान। रमज़ान में जिस्म बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए, तो उसके लिए इफ्तारी के बाद ये जूस आप बना सकते हो। ये एक केला, काजू, अखरोट और ये मूंगफली, ये जूस अभी मैं बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जूस किस तरह बनता है, तो अभी पहले जाएगा ये अखरोट, काजू और मूंगफली। और उसके बाद जो है जाएगा इसमें केला। एक ही कप जो है आपने बनाना है एक गिलास। तो ये एक गिलास जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, हेवी होता है। इसके बाद आप डालना है इसमें दूध। तो ये एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये जो है बिल्कुल एनर्जी वाला कप होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये डेली आप पियोगे तो जो रमज़ान में आप लोग कमज़ोरी होती है तो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। स्पेशली एक हफ़्ता या 10 दिन जो है गुज़र जाते हैं तो बदन जो है थोड़ा सा कमज़ोर कमज़ोर सा लगता है। तो ये अभी हम बनाते हैं। तो अभी इसका सर जो है इसके ऊपर बंद कर देते हैं। ये बहुत तेज़ है, ये नया मैंने लिया है तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं समझा ये बहुत ज़्यादा स्लो होगा तो मगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये इस तरह बना है माशाल्लाह। इसको डालते हैं कप में। ये चीज़ ये आधा कप जो है और भी हो सकता है इसमें, तो इस तरह। तो ये चीज़ ये जो है रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।